What's up guys, I'm AP, I hope you are doing well. Exercise 8.3, chapter 8, questions number 5 हम लोग देखेंगे, class 7th का है, ठीक है? Profit and loss का है, percentage chapter, percentage है ये, जो हमने comparing quantity जो chapter है, उसी का एक part है, percentage करके, ठीक है? देखिए questions 5 है, इसमें क्या बोल रहा है, I buy a TV for 10,000 and sell it at profit of 20%. How much money डू आई गेट फॉर इट. मैंने एक टी वी खरीदा 10,000 में और उसको मैंने 20% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि मतलब कि उसको मैंने कितने पे बेचा है. तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सी पी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने खरीदा है आइटम को, टी वी को, 10,000 है. प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है सर, प्रॉफिट परसेंट ट्वेंटी परसेंट है, ठीक है? अब देखिए प्रॉफिट है 20%. अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हमेशा निकलेगा सीपी पे. तो कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, प्रॉफिट इक्वल टू है सीपी इनटू प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है? सीपी इनटू प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू. तो प्रॉफिट कितना है हमारा, ये निकालना है. तो प्रॉफिट है सर, सीपी कितना है, सीपी है पहले आपका 10,000, क्योंकि सीपी पे ही निकलता है ना, 10,000 गुने 20/100, ठीक है? 2 0 2 0 ख़त्म, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट लेना है, ठीक है? अब आपको देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट 2,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपये है. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से. तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है? अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 है, प्रॉफिट कितना है 2,000 है, तो उसने 12,000 में उस टीवी को बेच दिया, 10,000 प्लस 2,000 सेलिंग प्राइस हो गई 12,000 रुपये. ये तो फार्मूला बेस पे मैंने बनाया है. देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन होगा घुमा फिरा के कैसा होगा आप बना लीजिएगा. यहाँ देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 हुआ, 20/100 हुआ कि नहीं हुआ सर, हुआ, ठीक है? तो देखिए 20/100 यहाँ पे 100 क्या है, 100 को मानिए सीपी, ये 20 क्या है प्रॉफिट, 100 रुपया सीपी था तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का. अगर सीपी कितने का है, सीपी 10,000 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, सीपी हमारा 10,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 × 20/100 हुआ कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बाबा, 2 0 2 0 खत्म, 2,000 का प्रॉफिट हुआ. ये हो गया फार्मूला, सब उस समय फार्मूला से बनाया था, ये ऐसे बना दिया. ये हो गया आपका प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपया, ये आपका कॉस्ट प्राइस है. तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 है, प्लस प्रॉफिट कितना है 2,000 है, तो उसने उसको 12,000 रुपये बेचा, तो उसको कितने रुपये मिले, आपको कितने मिले, आपको मिले हैं 12,000 रुपये, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे. वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय.